वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज एंड वेलकम टू ऑल बोर्ड। आज मैं समय से पहले तो नहीं आ गया कहीं। चलिए ठीक है, नहीं टाइम पर ही हूँ। और बताइए कैसे हैं सर आप लोग, क्या हाल चाल है? आज की कुछ न्यूज की बात करेंगे। मैं इसलिए एग्जैक्ट टाइम पर रहता हूँ बिकॉज मैंने नया एक वो आप बोल सकते हो एड किया है सेक्शन इन आर डेली करंट अफेयर शो। इनिशियली वन और टू न्यूज विल डिस्कस इन द नेशनल इंटरेस्ट, नॉट फॉर आर एग्जामिनेशन। तो डेली हम सिर्फ अपनी एग्जाम के लिए न्यूज देखते हैं। कुछ न्यूज ऐसे भी कवर करेंगे अब से डेली। आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, इफ यू विल वॉच द सेशंस ऑफ टू थ्री डेज बिफोर, हम डेली दो तीन चार न्यूज ऐसी डिस्कस कर रहे हैं विच इज इन द नेशनल इंटरेस्ट। तो वो हम डिस्कस करेंगे और उस पर मैं टैग लगा दूंगा नो एग्जाम न्यूज का। सो इट विल बी इजीली आइडेंटिफाइड कि ओके दिस न्यूज यू कैन स्किप एज अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, कि आप अपने प्रिपरेशन के पार्ट में उसको स्किप कर सकते हैं, आपको जरूरत नहीं होगा उसको प्रिपेयर करने का, ठीक है। बट आई विल नॉट टेक मोर टाइम, डोंट वरी, आई विल नॉट टेक मोर टाइम इन दैट, बहुत कम समय जो है। हाँ, लक्षद्वीप इशू के बारे में डिस्कस करूंगा संजय, मंडे को डिस्कस करेंगे लक्षद्वीप इशू के बारे में, ठीक है। उसके ऊपर मैं सोच रहा हूं एक सेपरेट वीडियो बनाने का, बट हाँ उसके बारे में डिस्कस करना है। चलिए, तो आज की पहली चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस, इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज टुडे इज फ्राइडे, एवरी फ्राइडे 10 o'clock वी कंडक्ट जीए जीनियस आवर वीकली करंट अफेयर्स एमसीक्यू शो। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग 21st to 28th of May करंट अफेयर्स, 50 MCQs, 50 to 55 यू डिसाइड, दैट एमसीक्यूज विल डिस्कस टुडे एट 10 AM, सो बी देयर ऑन टाइम। मूविंग टूवर्ड द न्यूज नंबर वन, न्यूज पर जाने से पहले मॉर्निंग मोटिवेशन, आइदर यू रन द डे और द डे रन्स यू। हम डिसाइड कर लेते हैं सुबह सुबह उठकर, ओके दीज आर द टास्क एंड आई विल डू दिस इन दिस मैनर। अदरवाइज जब जब आपके पास काम पड़ेगा, प्रायोरिटी आएगी, यू हैव टू डू दैट, मतलब चांस नहीं है, दौड़ना तो है ही, ठीक है। सो इट इज बेटर दैट इफ यू विल प्लान इट इन योर मैनर, If you will plan it according to you and execute it, but उसके लिए थोड़ा सा पहले हर चीज को एग्जीक्यूट करने की हैबिट डालनी पड़ेगी। आते हैं न्यूज पर। पहला न्यूज है Pfizer, everyone heard the name of this company. Pfizer tells government of India that its COVID-19 vaccine is suitable for everyone who is 12 or above. मतलब अभी तक जो बात चल रही थी, what about the kids below 18? तो बिलो 12 का तो अभी भी अनसर्टेन है गाइस, बट 12 टू 18 के लिए अब फाइजर ने कहा है दैट देयर वैक्सीन इज सुटेबल, इट डज नॉट हैव एनी प्रॉब्लम टू गिव द वैक्सीनेशन टू द एज ग्रुप ऑफ 12 टू 18, 18 अबव हमारे स्टार्ट हो गया, राइट। सो 12 टू 18 के लिए फाइजर ने कहा है। द प्रॉब्लम इज दैट व्हेन फाइजर केम लास्ट ईयर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ देयर वैक्सीन, व्हेन दे केम टू इंडिया फॉर गेटिंग अप्रूवल, फॉर गेटिंग ऑर्डर्स, गवर्नमेंट said no that time, सरकार ने मना कर दिया था फाइजर को उस समय, एंड नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रनिंग बिहाइंड द फाइजर, दे आर रेडी टू टेक द ऑर्डर्स बट दे हैव टू कंप्लीट देयर प्रीवियस कमिटमेंट्स टू द डिफरेंट नेशंस टू कोवैक्स प्रोग्राम। तो वो भी फंसे हुए हैं, उनके जो पुराने कमिटमेंट्स हैं, दे विल कंप्लीट इट, इफ दे विल बी एबल टू डू द एडिशनल प्रोडक्शन देन ओनली दे विल बी एबल टू सप्लाई टू इंडिया। तो ऐसा नहीं है कि वो सप्लाई नहीं करना चाहते, उनका प्रोडक्शन लिमिटेड है, ऑलरेडी ऑर्डर ज्यादा हैं, ये फाइजर के साथ प्रॉब्लम है, नॉट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट है सर। इवन देयर फादर्स कांट अरेस्ट मी, रामदेव रिएक्ट आफ्टर द अरेस्ट, रामदेव ट्रेंड ऑन ट्विटर। तो ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा था अरेस्ट कर लो बाबा जी को, अरेस्ट रामदेव, और इन्होंने हाथ उठाते हुए बोल दिया दैट देयर फादर्स इवन कांट अरेस्ट मी। किसी के बस की बात नहीं। दिस सेम पर्सन, अगर आपको याद हो 2013 का बात होगा, वो अपना गर्ल्स के कपड़े पहनकर ये एक सभा में से भागे थे, एंड ही वॉज सेइंग आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू प्रोटेक्ट मी। अभी देखो आप कितना डेयरिंग स्टेटमेंट दे रहे हैं अगेंस्ट एलोपैथी, अगेंस्ट द एलोपैथी डॉक्टर्स, MBBS, MD डॉक्टर्स, 10,000 डॉक्टर्स डाइड, ही सेड। कि ऐसा नहीं है कि आई हेट बाबा जी, आप लोगों को लग रहा होगा कल से सर जो है बाबा जी के पीछे पड़े हुए हैं, नो नॉट लाइक दैट, जस्ट हिज स्टेटमेंट्स आर कमिंग इन दैट इन माय मैनर, इन माय वे आई फील लाइक। तो इसीलिए मैं न्यूज को जरूर से कवर और करता रहूंगा, इसको हम कवर करते रहेंगे अंटिल अनलेस
will not get some solution over it. So not for examination point पर अगला point देख लें. Not for exam tag लगा रखा है मैंने. If anyone near to you in Madhya Pradesh got married, inform them they should be ready to get married again with the same girl and boy. हाँ, वो change नहीं करना है. Couple will be same. शादी फिर से करनी पड़ेगी. Reason is that Madhya Pradesh government issues a notification that during the lockdown, अभी जो lockdown चल रहा था, approximately 1.5 month lockdown was there. अभी भी continue है lockdown Madhya Pradesh में. So they said that government of Madhya Pradesh said that those who married in between the lockdown, जिनके पास permission नहीं था, their marriage certificate can't be generated. उनके marriage certificate generate नहीं हो पाएंगे. और SDMs को ये दे दिया गया है ऑर्डर में, तो उनसे बोले कि तैयार रहें सर. यस, तो उनसे बोले कि तैयार रहें इसके लिए कि दोबारा एक बार शादी करनी पड़े तो कर लें, पर कपल वही रहेगा. सरकार ने उसके लिए कोई प्रस्ताव नहीं रखा है. SBI क्लर्क 2021 क्रैश कोर्स 24th of May से स्टार्ट हुआ है. एग्जाम का डेट एक्सटेंड हो रहा है. स्टिल यू कैन ज्वाइन दिस बैच, स्टिल यू कैन इन्फॉर्म टू योर फ्रेंड हु आर लुकिंग फॉर द प्रिपरेशन और द बैच, क्योंकि एग्जाम के डेट का अभी अनसर्टेनिटी बना हुआ है कि हो सकता है वो थोड़ा बहुत आपका एक्सटेंड हो. वंस विल गेट समथिंग इंपॉर्टेंट और द प्रूफ रिलेटेड टू दैट विल शेयर विथ यू. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन, और अब आ जाए सीरियस मोड पर थोड़ा सा. ठीक है, क्योंकि अब सेशन स्टार्ट हो रहा है हमारे एग्जाम्स के लिए. फर्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI हैज पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी एज वन ऑफ द सर्टिफाइड पार्टनर ऑफ रुपे सॉफ्ट पे टू ड्राइव द कैशलेस पेमेंट अक्रॉस द कंट्री. तो NPCI ने निम्नलिखित में किस कंपनी के साथ जो है टाइप किया है कि भारत में सॉफ्ट POS सिस्टम जो है उसको इंप्लीमेंट किया जा सके. Soft POS का मतलब होता है you are not using POS machine, with the help of your mobile phone you will be able to accept the payment as a merchant. तो Paycor is the name of company, it's a Turkey based company. तो Paycor के साथ अभी NPCI ने tie up किया है for this purpose. Next one, Zeta has become which of the following Indian startup to cross the valuation of 1 billion in the year 2021. कौन से नंबर का स्टार्टअप बन गया भारत का जिसने 1 बिलियन का वैल्यूएशन क्रॉस किया है और अब इसको यूनिकॉर्न की कैटेगरी में रखा गया है. तो 2021 में कौन से नंबर का यूनिकॉर्न कंपनी बन गया है ये भारत का? 14th. बहुत बढ़िया, तो करेक्ट आंसर है, इट इज द 14th कंपनी. एंड रिसेंटली दे गॉट 250 मिलियन फंडिंग फ्रॉम जापानीज इन्वेस्टमेंट मेजर सॉफ्ट बैंक. ऐसा लगता है मुझे, हम सुन रहे हैं अमेजॉन है, उबर है, ओला है, जेटा है, जोमैटो है, बट देर विल बी अ डे आफ्टर फ्यू ईयर्स वी विल बी हियरिंग ओनली अबाउट सॉफ्ट बैंक. क्योंकि आप देखोगे यार, हर एक कंपनी में अगर आप कोई सक्सेसफुल बड़ा ब्रांड देख रहे हैं, 90% चांसेस यू विल फाइंड द फंडिंग ऑफ सॉफ्ट बैंक इन दैट. तो जैपनीज जो है, हमको लगता है चाइनीज काम कर रहे हैं, बट जैपनीज दे आर प्लेइंग एक्सट्रीमली वेल विद द हेल्प ऑफ सॉफ्ट बैंक. नेक्स्ट वन, आप उठाकर देख लेना बड़े सक्सेसफुल ब्रांड्स और कंपनीज, आपको सॉफ्ट बैंक का फंडिंग मिल ही जाएगा. Which bank has announced the launch of its fully digitized loan process system offering over 50 product to MSME and agriculture sector? कृषि क्षेत्र और MSMEs के लिए लोन प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरीके से डिजिटल सुविधा किस बैंक ने हाल ही में अनाउंस करी है? तो करेक्ट आंसर है IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया. अच्छा, आपको याद होगा कल मैंने बताया था आफ्टर 5 years IDBI came in profit. कितना प्रॉफिट जनरेट किया IDBI ने 5 साल के बाद, जब IDBI ने प्रॉफिट जनरेट किया, हाउ मच प्रॉफिट जनरेटेड बाय IDBI आफ्टर 5 years? आंसर बताइएगा फटाफट से, जल्दी जल्दी आंसर बताइएगा.
1359 करोड़, ये याद रखिएगा, पेपर में पूछ लेगा जी, 1359 करोड़ रुपी इज द प्रॉफिट जनरेटेड बाय आईडीबीआई आफ्टर 5 years. नेक्स्ट पॉइंट है, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाईकोर्ट, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा जी को. करेक्ट आंसर है आपके पास छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट. एट प्रेजेंट देयर आर 25 हाईकोर्ट्स लोकेटेड इन इंडिया, 25 हाईकोर्ट हैं भी वर्तमान में भारत में जो सिचुएटेड है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. दिल्ली का हाईकोर्ट सिंगल हाईकोर्ट है यूनियन टेरिटरीज के बीच में. मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द न्यूज डिस्कशन. ठीक है, अभी एमसीक्यूज देखा हमने, न्यूज डिस्कशन, आरबीआई फाइनेंशियल न्यूज, बैंक्स इन न्यूज की तरफ मूव करेंगे. न्यूज नंबर वन रिलेटेड टू बैंकिंग, इक्वाटस स्मॉल फाइनेंस बैंक. यार इसका स्टॉक जो है ना अभी काफी नीचे आया हुआ है, तो अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो एक बार इसको एनालाइज कर लेना. ठीक है, इक्वाटस स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज नाउ बिकेम द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक टू ऑफर एनआरआई कस्टमर सेगमेंट ऑफ ईज ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन अकाउंट. मैं सिंपल कर देता हूं न्यूज को. दिस इज द फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक स्टार्टेड ऑफरिंग कंप्लीटली ऑनलाइन, अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी, टू एनआरआईज, अब समझने की बात यह है कि किस तरीके के अकाउंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं एनआरआईज को. सो द अकाउंट विच इज प्रोवाइडेड टू एनआरआईज आर, जो अकाउंट एनआरआईज को दिए जाते हैं, दे आर कॉल्ड एनआरई, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल, FCNR, foreign currency non-resident, and NRO, non-resident ordinary account. These two account accept the deposit from the foreign nations. तो विदेशों से पैसा जमा किया जाता है NRE और FCNR में. This account accept the deposit from India. मतलब NRIs, those are running their business in India or having their source of income in India. They can deposit their money in NRO. These two accounts are non-taxable. NRO is taxable. Reason? Money earned inside India. So, foreign nations, they are earning money in foreign nations but depositing in NRE and FCNR. What is the difference between them? NRE is a type of demand deposit or term deposit. Demand deposit hoga, term deposit hoga. You can open FD, IRD, saving current, any. FCNR is a type of term deposit. Term deposit hai sir, you can deposit money for minimum 1 year to maximum 5 years. Kam se kam ek saal se 5 saal ke liye paisa deposit hota hai FCNR mein. And when I am saying you can deposit, if you are an NRI. Agar aap NRI hai, to hi aap in accounts ko use kar sakte hain. So, this is what the major three accounts, और भी होते हैं, RFC होता है, but वो उतना important नहीं है. These three are always there in the news or there in the examination. So, Equitas Small Finance Bank became the first small finance bank in India to appoint virtual relationship manager based on time zone. Time zone मतलब US में जब दिन होगा, उस समय आपका manager ready होगा to talk to the client to resolve their issues. And applicant have to submit their document through the courier within 90 days. Online आप account open कर लो, 90 days का time है, अपने documents को आप send कर दो India. Headquarter of Equitas Small Finance Bank is Chennai, founded in the year 2016. MD है Vasudevan PN. सारे के सारे point clear हो तो एक बार फटाफट से CC लिख दीजिएगा, या thumbs up का आप option भी है आपके पास, thumbs up दे दें जैसा आपको ठीक लगता है. बट फटाफट से एक बार थोड़ा एप्रिसिएशन जरूरी है. देखो आप लोग कुछ अच्छा काम करते हो और आपको एप्रिसिएशन मिलता है तो ठीक है ना, लगता है ना कि हाँ अच्छा हुआ. बस वही चीज है, एवरीवन इज एवरी ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्ड द सेम थिंग. चलिए आगे चलते हैं, आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लेते हैं. थोड़ा सा और स्पीड पकड़ूंगा मैं ताकि हम हर एक न्यूज को कवर कर पाए. तो ICICI बैंक हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च अ यूनिक फैसिलिटी ऑफ लिंकिंग अ UPI आईडी विद द डिजिटल वॉलेट. अभी समझो इस बात को. टिल नाउ योर यूपीआई आईडी लाइक आदित्य,
आदित्य डॉट आई सी आई सी डॉट ओके डॉट समथिंग लाइक ऐसा कुछ है यार, अभी एग्जैक्टली याद भी नहीं है प्रैक्टिकली बोलूं तो, बट समथिंग लाइक दिस ओनली, 2-3 कुछ नंबर्स भी हैं बीच में. दिस इज व्हाट द यूपीआई आईडी इज, इसी तरीके का होता है. एग्जांपल दे रहा हूं आपको, सिमिलर टू दैट वी हैव यूपीआई आईडीज, मेरा भी कुछ इसी तरीके का है, एग्जैक्टली याद नहीं है. सो यूपीआई आईडी इज लिंक्ड विथ योर अकाउंट नंबर, ये आपका हमेशा किससे लिंक होता है, अकाउंट नंबर से लिंक होता है आपका, बैंक अकाउंट से लिंक होता है आपका ये. एंड वी शुड हैव मनी इन द बैंक अकाउंट टू यूज दिस यूपीआई आईडी, बट नाउ आईसीआईसीआई बैंक इज गिविंग द ऑप्शन दैट दिस यूपीआई आईडी कैन बी लिंक विथ योर वॉलेट, कैन बी लिंक विथ योर वॉलेट, डिजिटल वॉलेट, दैट कैन बी द वॉलेट ऑफ योर फोन पे, दैट कैन बी द वॉलेट ऑफ योर गूगल पे, दैट कैन बी द वॉलेट ऑफ योर पेटीएम. तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने वॉलेट्स में, Amazon का वॉलेट है, सो यू कैन कीप दैट मनी इन योर वॉलेट्स, आप अपने वॉलेट्स में पैसा रखें एंड यू कैन यूटिलाइज दैट मनी विद द हेल्प ऑफ दिस यूपीआई आईडी. सिंपल कर दूं, एक बार फिर से बता दूं, टिल नाउ देयर वाज ओनली वन ऑप्शन दैट वी कुड ऐड आर यूपीआई आईडी विद द अकाउंट, ये एक ऑप्शन हुआ करता था. आईसीआईसीआई बैंक इज गिविंग द सेकेंड ऑप्शन, योर यूपीआई आईडी कैन बी कनेक्टेड विथ योर डिजिटल वॉलेट एंड द नेम ऑफ दिस फैसिलिटी विल बी गिवन पॉकेट्स, इसी को नाम दिया गया पॉकेट्स. सो पॉकेट वॉलेट फैसिलिटी लॉन्च्ड बाय विच बैंक, पॉकेट वॉलेट फैसिलिटी लॉन्च्ड बाय विच बैंक, आंसर विल बी आईसीआईसीआई बैंक. न्यूज क्लियर सर? अरे ऐसे ही बोल दिया, जीपी के लिए वॉलेट नहीं है, मैं बता रहा था कि जैसे अमेजोन के लिए वॉलेट है, पेटीएम के लिए वॉलेट है, जीपे पे नहीं होता वॉलेट. उसके बाद आपके पास, उसके बाद और भी ऐसे जो भी आपके पास फैसिलिटीज होते हैं जिनमें आपके पास वॉलेट फैसिलिटी है, तो वो वॉलेट से आप लिंक कर सकते हो. ठीक, हाँ आगे आ जाते हैं. आरबीआई न्यूज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर देख ले, बैंक नोट सर्कुलेशन इंक्रीज्ड इन द ईयर 2020-21 कोविड 19 अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आरबीआई ने डेटा रिलीज किया है दैट According to value, bank note in India, note in India according to value. Value means how much money. According to value and according to volume. Volume means number of notes. So according to value, it has been increased by 16.8%. According to volume, it is increased by 7.2%. मतलब समझो, this is which money it was. It was the money which was kept inside home in the form of cash. छुपा के रखा हुआ पैसा था, घर के अंदर था, जो लोग use नहीं करने वाले थे, they started using that money. So this much amount of notes increased in the circulation in last financial year 2020-21 बिकॉज ऑफ द कोविड 19, बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन. ये वो पैसा है जो लोगों ने कैश के फॉर्म में कहीं ना कहीं सेव कर रखा था, छुपा कर रखा था, उस पैसे को मार्केट में इंक्रीज किया गया है, वो पैसा मार्केट में आ गया है. पॉइंट क्लियर है? क्लियर है जी. आगे मूव करें, नेक्स्ट आ जाइए अगले पॉइंट पर. पेटीएम, पेटीएम टारगेट $3 billion बाय IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, दिस ईयर इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर, दिस ईयर इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर. गाइज, 2021 विल बी वन ऑफ द रिवॉल्यूशनरी ईयर इन द फील्ड ऑफ स्टॉक मार्केट. रीजन बताता हूं, IPO देखो आप, Zomato का IPO आ रहा है अभी, ठीक है, अनुपम रसायन वगैरह तो ठीक है, Zomato का IPO आ रहा है, एंड वन मोस्ट अवेटेड IPO LIC इज गोइंग टू also अनाउंस देयर IPO. IPO means इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, when these companies will issue their stocks for the first time in market, open for all, you, me, anyone can apply for it. That is called initial public offering. And end of the year, Paytm also announced end of the year
that Paytm will also issuing the IPO and target is 3 billion. If it is successful, it will be the largest value earned by any company in the history in India in the form of IPO. IPO में raise होने वाला ये सबसे बड़ा fund बन जाएगा अगर ये successful हुआ तो. Point clear है. How to buy stocks, उसके लिए बहुत सारे videos YouTube पर हैं. If you want my video only कि how to buy stocks, बता देना मैं बना दूंगा. अभी तक मैंने start नहीं किया है stock market के ऊपर videos बनाना, but if you guys will say definitely I will start. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये हमने बात कर ली बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज की, नेक्स्ट मूव करते हैं. व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी 2021? बायोलॉजिकल डायवर्सिटी 2021 क्या थीम है बायोलॉजिकल डायवर्सिटी 2021 का? तो करेक्ट आंसर है We are part of the solution. I know this thing, ये हमने न्यूज में डिस्कस नहीं किया है. I thought that we should not miss these news, so I am directly taking them in the form of MCQ. क्योंकि हमारा end of the day objective ये है, we should not miss any important news. Either in the form of news or in the form of MCQ, we should discuss them, right? So we are the part of solution. It is the theme of International Day of Biological Diversity 2021. Day celebrated on 22nd of May. 22 May को इसको मनाया जाता है by United Nation General Assembly. Next one, sir. Who has topped in the Forbes list of highest paid athlete of 2021? 2021 के highest paid athlete की list में निम्नलिखित में से कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? शीर्ष का मतलब होता है ऑन द पीक, राइट? तो करेक्ट आंसर है कॉनर, मिस्टर कॉनर, हु इज द मार्शल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स प्लेयर, मतलब वो WWE जो देखा करते थे आप लोग पहले, जॉन सीना और क्या क्या हुआ करते थे, ट्रिपल एच, और वो हु वाज दैट पर्सन हु डाइड एंड वेक अप अगेन एंड अगेन, कि वो मर जाता था फिर वापस से उठ जाता था. तो बस वो वाला जो आप लोग WWF देखा करते थे, आफ्टर दैट इट बिकेम WWE, उसके प्लेयर है मिस्टर कॉनर, एंड हिज टोटल अर्निंग वाज $180 million. अंडरटेकर, हाँ देखो नवीन को याद है अंडरटेकर, यस. सो $180 million वाज हिज अर्निंग, दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. $180 million इनका अर्निंग था ओवरऑल. लिनॉल मैसीज ऑन सेकेंड पोजिशन $130 million. क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज ऑन थर्ड पोजीशन 120. एटलीस्ट फर्स्ट थ्री याद रखें, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं सर. देखो बिग शो मेरा फेवरेट था, जॉन सीना फेवरेट था, सबके अपने अपने फेवरेट आने लगे, ब्रॉक लेसनर. ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आ जाइए, ब्रॉक लेसनर को छोड़ दें, अगले न्यूज पर आ जाए सर. हु हैज वॉन 2021 टेम्पलटन प्राइज फॉर Life work on the animal intelligence and humanity. मैं आज options को और detail में discuss अभी नहीं करूंगा. Previously we have discussed about ताहिरा कुतुबुद्दीन, अरब नोबल प्राइज इनको दिया गया है, गीता मित्तल जी जो पिच अवार्ड था वो इनको मिला है, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. आज मैं डायरेक्टली एक पॉइंट पर बात कर लेता हूं. जीन गुडाल Honored with 2021 Templeton Prize for the life work on the animal intelligence and humanity. ये chimpanzee के ऊपर research करती हैं मैम, and इन्होंने approximately अपने 45 to 50 years इसी में लगा दिए. When she was 23-24, she started doing this task, and still she is doing. She is 87 at present. तो 45 years के approximately इन्होंने दिया है. To understand that what chimpanzee think, how chimpanzee behave, because they are very similar to human being. ये कहा जाता है, their intelligence level is very very similar to human being. तो chimpanzees के ऊपर ये study कर रही है काफी time से,
एंड शी बिलोंग्स टू यूके, यूनाइटेड किंगडम की हैं, बट शी वॉज डूइंग द रिसर्च इन तंजानिया। तंजानिया में इन्होंने 1960s में काफी ज्यादा इसके ऊपर रिसर्च किया हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नहीं, कुछ लोगों के घर में तो अभी भी, मतलब जैसे आपके घर में होगा, कुछ लोगों के घर में आज भी होगा कि मम्मी बोलती होंगी कि नहीं बेटा चिंपैंजी सिमिलर नहीं है, हमारे घर में तो चिंपैंजी है, तुमको नहीं पता पर है, जब मिरर के सामने जाओ तब तुम देख पाओगे, बाकी हम सब देख रहे हैं तुम नहीं देख पा रहे हो। तो ये घर में ऐसा होता है, घर में घर वालों को पता होता है कि हमारे घर में तो चिंपैंजी है, बाकी लोगों के पास भले ना हो। चलिए सर, तो अपॉइंटमेंट की बात करें तो सीईओ अपॉइंट हुए एक कंपनी के, सीईओ अपॉइंट हुए एक कंपनी के, विच कंपनी, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी आप बोल सकते हो वर्ल्ड की, एंड द पर्सन, द ओनर ऑफ दैट कंपनी इज द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट Amazon। सो फाइनली मिस्टर एंडी जेसी विल ऑफिशियली बिकम द सीईओ ऑफ Amazon ऑन 5th of July। 5 जुलाई को ये पोजीशन ले लेंगे सर, 5 जुलाई को पोजीशन ले लेंगे, एंड द डिसीजन हैज बीन फाइनलाइज इन द शेयर होल्डर मीटिंग, शेयर होल्डर्स की मीटिंग में जो है ये फाइनलाइज हो गया। Amazon अनाउंस दैट जेजी विल, हु इज द करेंट सीईओ ऑफ Amazon वेब सर्विसेज, ही इज करेंट सीईओ ऑफ Amazon वेब सर्विसेज, नाउ ही विल बी लीडिंग द कंप्लीट कंपनी, ऑल द पोर्टफोलियोज, ऑल द प्लेटफॉर्म्स टुगेदर। He would replace to Mr. Jeff Bezos. Mr. Jeff Bezos will continue as the chairperson of Amazon board. Definitely will not leave company, right? He is the owner of company. So he will lead, Jeff Bezos will lead the company as the chairperson, not as a CEO. So Mr. Andy Jassy will be the CEO. Company was founded on 5th of July 1994. Washington, USA is the headquarter of company. Moving towards the next. Next. जगजीत पवाड़िया फॉर्मर नारकोटिक्स कमिश्नर ऑफ इंडिया, रिटायर्ड ऑफिसर ऑफ इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज कस्टम, हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। बिफोर मूविंग टुवर्ड्स दिस न्यूज, आई वॉन्ट टू आस्क यू, हु इज द करेंट डायरेक्टर ऑफ NCB, नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया, NCB, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफ इंडिया के डायरेक्टर कौन है सर इंडिया में, उनका नाम बताइएगा फटाफट से, क्विकली, फटाफट मीन्स क्विकली। राकेश अस्थाना, वेरी गुड, मिस्टर राकेश अस्थाना। तो अब मैम का नाम तो याद रखना पड़ेगा, जगजीत पवाड़िया फॉर्मर कमिश्नर रही है इंडिया की फॉर टू स्टॉप द नारकोटिक्स, मींस जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं ना बच्चे नॉर्मली उसमें आ जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करने में ये ऑफिसर रही है इंडिया में। नाउ शी हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एंड द हेडक्वार्टर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन वियना, ऑस्ट्रिया। 1968 the organization was formed. So Jagjit Pavadia, President of International Narcotics Control Board. Next one, Mr. Ashok Kumar, he will be the only referee from India, sir, to officiate the wrestling matches for Tokyo Olympic Games. अकेले रेफरी हैं इंडिया से, सिंगल रेफरी होंगे इंडिया से फॉर द रेसलिंग पर्पस। नेम विल बी इंपॉर्टेंट, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन यहां से उठाकर पूछ ले, इसीलिए मैंने सोचा आई डोंट वांट टू मिस दिस न्यूज एज वेल। मिस्टर अशोक कुमार इज द ओनली रेफरी फ्रॉम इंडिया इन द रेसलिंग मैचेस इन द टोक्यो ओलंपिक्स गेम्स, और ही इज द रेफरी विथ यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने इनका नाम नॉमिनेट किया था, एंड फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव ओलंपिक ही विल बी वर्किंग एज अ रेफरी विथ ओलंपिक्स। आगे बढ़ते हैं, Blenier Shanghvi resigned. Who is this Shanghvi sir? Mr. Dilip Shanghvi sir resigned as the managing director of Sun Pharma ke managing director ki position se resign kiya hai Shanghvi sir ne.
और बिल्कुल कल रात को ये न्यूज मुझको मिला, सो आई थॉट दैट व्हाई नॉट टू डिस्कस विथ यू गाइस कि हम आज ही अपडेट कर लें इंस्टेड ऑफ डूइंग इट ऑन मंडे. सो इट विल बी डियर इन योर नोटबुक फॉर टुडे, ऑन टुडे यू विल बी एबल टू रिवाइज इट टुमारो. सन फार्मा के मैनेजिंग डायरेक्टर दिलीप संघवी सर रिजाइन फ्रॉम द पोजिशन ऑफ सन फार्मा बोर्ड, सन फार्मा मैनेजिंग डायरेक्टर. नाउ हु विल बी होल्डिंग दिस पोजिशन? द कंपनीज बोर्ड हैज रीअपॉइंटेड मिस्टर अनिल राघवन. यहां पर नाम दिखा देता हूं आपको, मिस्टर अनिल राघवन एज द सीईओ ऑफ कंपनी. अनिल राघवन जी को कंपनी के सीईओ के रूप में रीअपॉइंट किया गया है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स टिल द ईयर 2026, 2026 तक के. ही विल कंटिन्यू एंड मिस्टर दिलीप संघवी विल कंटिन्यू ऑन द पोजिशन ऑफ चेयरमैन. चेयरमैन तो रहेंगे ही कंपनी के, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड चेयरमैन का पोजिशन संघवी सर ये होल्ड करके रखेंगे. एंड मिस्टर अनिल राघवन रीअपॉइंटेड ऑन द पोजिशन ऑफ सीईओ फॉर द ड्यूरेशन ऑफ 5 ईयर्स टिल मे 2026. तो दो पॉइंट यहां पर आपके पास बन गए सर. ठीक, क्लियर, बहुत बढ़िया. नेक्स्ट पॉइंट, बुक्स एंड ऑथर्स है क्या कोई बुक? बिल्कुल है. सच कहूं तो कह दो मैम, हमने मना किया है क्या? तो मैम की बुक का नाम है सच कहूं तो. नीना गुप्ता जी वन ऑफ द फेमस एंड फाइन बॉलीवुड एक्टर. सच कहूं तो मींस आई नो दैट लॉट्स ऑफ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स आर सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सच कहूं तो. इट इज लाइक शैल आई से ट्रुथ इफ आई एम नॉट रॉन्ग. ठीक है, शैल आई से ट्रुथ, दिस इज वॉट द मीनिंग ऑफ सच कहूं तो कह दो. ठीक, बॉलीवुड एक्टर नीना गुप्ता जी जो है इनका बुक आया है पेंगुइन रैंडम हाउस, पब्लिशर है 2020. ड्यूरिंग द लॉकडाउन शी हैज ऑथर्ड दिस बुक, शी हैज रिटन दिस बुक. ऑटोबायोग्राफी है, स्टोरी ऑफ हर सेल्फ रिटन बाय हर. एंड द बुक एड्रेस द इश्यूज लाइक कास्टिंग काउच, फिल्म इंडस्ट्रीज पॉलिटिक्स, टॉक अबाउट, मतलब यार कुल मिला के जो है ना फ्री फ्री टाइम में मैम ने, बिकॉज शी वॉज फ्री, शी हैज रिटन द बुक इन फ्री टाइम फॉर द पीपल दोज आर फ्री इन इंडिया. तो बट बुक विल बी चार्जेबल, बुक विल नॉट बी अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट. तो फ्री टाइम में फ्री लोगों के लिए पेड बुक लिखा गया है. इफ यू आर फ्री देन यू कैन रीड इट. आगे बढ़ते हैं. तो एक बुक के बारे में हमने बात किया था, इंडिया एंड द एशियन जियो पॉलिटिक्स द पास्ट एंड प्रेजेंट. द बुक इज ऑथर्ड बाय द फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिव शंकर मेनन साहब. शिव शंकर मेनन साहब ने ये बुक लिखी है. येस्टरडे वी डिस्कस्ड अबाउट इट दैट बुक इज नॉट ओनली बेस्ड ऑन द इंडिया, इट इज बेस्ड ऑन द एशियन जियो पॉलिटिक्स. वॉट इज द रोल ऑफ चाइना इन एशिया, हाउ चाइना इज परफॉर्मिंग, हाउ चाइना इज इंक्रीजिंग देयर पावर एंड इफेक्ट इन 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 ओवरऑल एशिया. तो उसके ऊपर लिखा गया बुक है. आ जाते हैं अगले सेगमेंट की ओर, नेशनल इंटरनेशनल स्टेट इन न्यूज सेगमेंट. इन पर भी ये सबसे हमारा इंपॉर्टेंट होता है, मैं इसको लास्ट में रखता हूं. स्क्वाड्रन लीडर अश्रिता वी ओलेटी, रिपीटिंग अगेन, स्क्वाड्रन लीडर अश्रिता वी ओलेटी, शी बिकेम द फर्स्ट एंड ओनली वुमेन इंडियन एयरफोर्स टू क्वालिफाइड एज अ फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर. शी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इवेल्युएटिंग द एयरक्राफ्ट एयरबॉर्न सिस्टम बिफोर देयर इंडक्शन इन टू द आर्म्ड फोर्सेस. इंडक्शन मीन्स शी इज नॉट गोइंग टू चेक द एयरफोर्स और दिस थिंग डेली ऑन द डेली बेसिस कि हाँ आज फ्लाइट लेना है चलो चेक करना है. नो, बिफोर इंडियन एयरफोर्स विल गोइंग टू इंडक्ट, will going to include that aircraft in the Indian Air Force, she will be doing the final testing, final check. This position पर appoint होने वाली, till now she is the only woman. नाम याद रखिएगा, she hails from Karnataka, Karnataka को belong करती हैं. That is why yesterday I was watching one video that one boy who is a gamer, who those are playing games online, making videos, earning lakhs of views. On my video, it didn't got one lakh view in TNA also. But they are playing games and they are getting lakhs of views. That boy said,
that actually one of the MP from Arunachal Pradesh written to government of India to ban the game, that one PUBG came to India back. Now we discussed in TNA few days before that PUBG relaunched in India, Battlefield, on the name of Battlefield. To usko ban karne ke liye unhone MP ne likha tha. So what this boy has done, this boy during the online streaming, during this live streaming, this boy said that something Spurs is the name of that boy, I think Spurs is the name of that boy. So that boy said that Arunachal is not in India and it is in China. That boy said these words. So usne kaha ki Arunachal India mein nahi hai, it is located in, it is in China, it is on the China side, and these people, they don't look like Indian. Who are you to decide they look like Indian or not? Who are you to decide that Arunachal is in India or not? Are you really, you are Indian? If you are Indian, you will not give a single centimeter land of India to any other nation. How you can say these things? I don't know what happened to youngsters of the nation. Those are following such type of people. Those are giving them lakhs of views. Kya ho gaya hamare desh ko? Aise logon ki lakhs of views kaise aa sakte hain? They don't deserve to be online actually. To ye main isliye bata raha hu that see the variety. What is the age of this girl? Squadron leader. She became a squadron leader. Became the first woman flight test engineer in India. And on the other side, that boy playing games online and saying whatever he wanted. And finally, he got arrested. According to IPC, there are lots of sections put by the police force on him. And after that, he got arrested from home. He is there in the jail at present. तो अभी तो साहब मजे ले रहे हैं, बोलो इंडिया में अगर आप ऐसा कुछ बोलोगे तो जाओगे भी अंदर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। सो सर, नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू द आर आर्म्ड फोर्सेस। अ डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्च्ड ऑनलाइन ओपीडी पोर्टल फॉर आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल। तो बिकॉज दे आर located on the means different locations, or I'm not getting one word actually, ki bahut dur posted hote hain na, kafi zyada dur hote hain, remote areas mein hote hain, where the health facility is not available. So if they need any support from the health system, what they can do is they can take the help with the help of online OPD. So online OPD is a portal which is launched by defense minister to ensure the hassle-free health services for armed forces. So armed forces, ex-servicemen, they can get the services on time without any problem. ठीक है, तो अच्छा initiative था, काफी बढ़िया सा initiative था। तो इसके बारे में एक बार डिटेल ज्यादा देखने का जरूरत नहीं है। लॉन्च्ड बाय होम लॉन्च्ड फॉर होम टू क्वेश्चंस विल बी देयर इन द एग्जामिनेशन। स्टेट इन न्यूज की बात करेंगे, बैक टू कर्नाटका, वन ऑफ माय फेवरेट। कंप्लीट इंडिया इज माइन, बट कर्नाटका इज वन ऑफ माय फेवरेट। सो कर्नाटका फ्रेम्स न्यू डिस्चार्ज पॉलिसी टू चेक द ब्लैक फंगस केसेस। फर्स्ट स्टेट इन इंडिया took this type of step, that anyone who got infected by the COVID-19 and when they are getting discharged from the hospital. So Health Minister K. Sudhakar said that ensure that they will not get infected by any fungus, this black fungus, white fungus, yellow fungus, or whatever it is. So they will not get infected by the fungus. Uske liye aap pehle check karein, do MRI scan before being discharged. So pehla state hai sir jisne ye initiative liya hai ki black fungus ke cases na aa paaye, na badh paaye. Theek, next point, why Karnataka is favorite? Actually, MP is favorite. I belong to Madhya Pradesh. So that is on the top in the list. Always your state will always be favorite. There is no doubt. So
always MP is on top, always Madhya Pradesh is on top. And after that, I stayed in Karnataka from last 5-6 years. And I saw that the people are humble. Even they are more humble compared to Madhya Pradesh. So people are very humble. I visited Tamil Nadu multiple, practically saying Tamil Nadu and Karnataka, Kerala, all three states are very good. I have very less contact with Andhra, means I have visited very less time Andhra or Telangana. Bahut kam hua hai ki Andhra Telangana visit kiya ho, right? Chalo, to aake move karte hain news par. India will launch Unite Aware. India will launch Unite Aware, a mobile tech platform, United Nation Peacekeeper, to improve their safety and security in online duty. So Unite Aware will be launched by India. It is a mobile platform developed by the Indian government. It will help to our soldiers, those are serving for United Nation as a peacekeeper. Hamare bahut sare soldiers hote hain guys, lakhs of soldiers of India, those are serving for United Nation. Hamare government unko bhejti hai on the deportation for 2 to 3 years. To unke liye, unke safety security ke liye Unite Aware app has been launched. And it has been it will be launched in August 2021. In August, India will get the presidency of UNSC. Every member get the presidency for 1 month. So India will get the presidency in the month of August 2021. India recently contributed overall contributed 1.64 million for UNSC. UNSC ke liye India ka contribution jo hai, wo 1.64 million ka raha hai sir. चलिए आगे आ जाते हैं. एक लास्ट न्यूज और डिस्कस करूंगा आज का, दैट रशिया स्टार्टेड वैक्सीनेटिंग एनिमल्स अगेंस्ट द COVID-19. रशिया क्यों बोल रहा हूं, द नेशन विद द लार्जेस्ट एरिया विद द मैक्सिमम रिमोट एरियाज इन द वर्ल्ड. एरिया वाइज देखोगे ना आप तो रशिया कहां से कहां तक है. जस्ट Do Russia or click on Google Map. फिर देखो आप रशिया कहां से कहां तक. They started vaccinating the animals against the COVID-19. मतलब इंसानों का तो खत्म हो चुका होगा वैक्सीनेशन. And what is the name of vaccination? Carnivacov. Carnivacov is the name of vaccine. Vaccine का नाम है Carnivacov. ये important है, visible है सबको. Carnivacov. Or should I write here? Carnivacov, this is the name of vaccination. जी, ये vaccination है world first vaccination for animals developed by Russia, and Russia started vaccinating them. अभी हम इंडिया में struggle कर रहे हैं Indians को देने के लिए. Still we are thinking that how we will be able to complete the demand of vaccination. And nations are so well prepared. They completed for their citizens. Now they started doing it for their pets as well. International news में एक और news था. कल मैंने आप लोगों को बोला था कि पढ़कर आना, इसके बारे में details देख लेना. Mali ex-cop chief take power after the military arrest president and prime minister. So Mali interim vice president colonel Assami Goita, colonel Assami Goita, who led the military coup last year, seized the power and became the transitional president of the nation. इन्होंने क्या किया है, military ने arrest कर लिया president Bah Dwaku and PM Mokhtar Okhan. So PM Mokhtar Okhan and the president got arrested by the military on Monday, and Tuesday this man took
took the presidentship of the nation. तो पकड़ लिया भाई, देश को कब्जे में ले लिया. United Nation called urgent meeting on it. United Nation ने urgent meeting call किया है over it. और UN peacekeeping forces जो होते हैं ना, they are required to resolve such type of issues. If he will not listen to UN, ये पहले UN पे आर से बात करेगा. If they will not listen to UN, one or two troop of USA will enter inside the country और फिर free कराएंगे. वो USA responsibility लेकर बैठा रहता है. Last two MCQs and after that the session will be over. Which bank has issued India's first foreign portfolio investor license to the GIFT IFSC alternative investment fund of True Beacon Global? Which bank? Kotak Mahindra. Very good here. It means if I am not taking any news also, you guys cover it. Very good. So Kotak Mahindra Bank. Reason, because we missed it, this news in TNA, but I was not in mood to miss it completely. मैंने सोचा डिस्कस तो करूंगा. अब दो पॉइंट सुन लो यहां पर. फर्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड? व्हाट इज द रोल ऑफ कोटक महिंद्रा हियर? अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड इज लाइक यू आर इन्वेस्टिंग योर मनी इन म्यूचुअल फंड ना. नाउ व्हाट इज, यू कैन इन्वेस्ट इन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड वेयर द फंड इज यूटिलाइज फॉर वेंचर कैपिटल. वेंचर कैपिटल मीन्स व्हाट? फॉर एनी स्टार्टअप्स. For any startups. So just think, if I have moved to invest in a startup and I have only 5,000 rupee, can I invest in any startup with my 5,000? No, they will not take my investment. But they need funds. They needs funding. So from where they can take the funding? They can take the funding from any fund managers. Those are managing alternative investment fund. So what I will do is, I will give my 5,000 rupee. Similar to me, lots of other people are giving their 5,000, 10,000, 5,000, 10,000. That money is going to alternative investment fund. And now they are investing in fund of fund, or angel fund, or venture capital fund, startups वगैरह के ही हैं. SME fund, small medium enterprises fund, these are the categories. मतलब एक तरीके का mutual fund investment ही है, but in the mutual fund investment we are investing our money in bonds, debentures, equity. वहां पर investment जा रहा है. यहां पर आपका investment कहीं ना कहीं company के पास जा रहा है. उसको कहा गया है alternative investment fund. Kotak Mahindra will work as a depository. Depository means, if I bought some stock of any particular company, any particular startup, I got some shares of that startup, so that will be registered with the Kotak Mahindra Bank. Inke paas uska repository rahega that okay, Aditya bought this much amount of rupee. To pehla bank hai jisko ye license mila hai, sir. Yes, fund of fund is also by the many investors. What is the theme of World Turtle Day 2021? Kachua Devas. Achha, ek question to zarur puchunga yahan par. That Turtle Rehabilitation Center in India, Conservation Center, not Rehabilitation, sorry, my mistake. Turtle Conservation Center in India started at which place? कहां पर स्टार्ट हुआ था सर? हाँ, ये बढ़िया था. टर्टल रॉक्स. ऐसा लगा इमेज पिक. आई वॉज सर्चिंग द पिक लाइक दिस की टर्टल रॉक्स का पिक मिल जाएगा, बट मिला नहीं था जी. भागलपुर बिहार करेक्ट है. भागलपुर बिहार, दैट इट इज दिस टर्टल कंजर्वेशन सेंटर कहां पर बनाया गया? तो भागलपुर बिहार में बनाया गया. 23rd ऑफ मे इट इज सेलिब्रेटेड एंड टर्टल रॉक्स वॉज द थीम ऑफ 2021. व्हाट इज द थीम ऑफ कॉमनवेल्थ डे 2021? व्हाट इज द थीम ऑफ इट?
थीम ऑफ कॉमनवेल्थ डे 2021। लास्ट है, सो करेक्ट आंसर है डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, कॉमन मैन, कॉमनवेल्थ, कॉमन फ्यूचर, कॉमनवेल्थ, कॉमन फ्यूचर। सो डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर ऑब्जर्व ऑन 24th ऑफ मे। एंड गाइज नाउ विल बी मीटिंग एट 10 am बैक, विल बी मीटिंग अगेन एट 10 o'clock। टेक योर टी, टेक ब्रेकफास्ट एंड टेक बाथ ऑल्सो, एंड आफ्टर दैट यू कैन कम बैक फॉर द सेशन एट 10 o'clock। ठीक है, चलो आई मीट यू बैक एट 10 o'clock गाइज। टिल दैट टाइम कीप वॉचिंग ऑल बोर्ड। जय हिंद। Hi all, welcome to Olive Board. My name is Harshita and I'm an English expert at Olive Board. I'm really excited to introduce to you Olive Board's SBI Clerk 2021 batch. With 40 plus live classes and practice sessions, 100 plus mock tests, topic tests and sectional tests, this course will help you learn smarter and score higher in SBI Clerk 2021. Our curriculum will help you improve your accuracy by up to 63% and increase your score by up to 18 marks in the actual exam, thus giving you the ability to devise your ideal strategy.